जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ 3 सितंबर से जन जन तक पहुंचाएंगे गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी। गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी जन जन पहुंचाने, विकास कार्यों की जानकारी के साथ भाजपा की रीति नीति से अवगत कराने के उद्देश्य से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ 3 सितंबर से किया जा रहा है। यात्रा 3 दिवसीय होगी, जो कि जिले के विभिन्न विकास खंडों से होकर गुजरेगी। सभा युग रोड के माध्यम से जनता से पार्टी के वरिष्ठ नेता रूबरू होंगे। उक्त जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने यात्रा की विस्तृत जानकारी में बताया, 3 सितंबर को यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह जिले के मझगवा से करेंगे। इनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। फिर यात्रा मझगवा अंतर्गत विभिन्न ग्रामों से होती हुई सतना पहुंचेगी, जहां पहला विश्राम होगा। दूसरे दिन यात्रा सुहावल में सभा के साथ प्रारंभ होगी और विभिन्न ग्रामों से होते हुए रैगांव में स्वागत सभा के पश्चात सिंहपुर में सभा तथा नागौद में रोड शो कर यात्रा आगे बढ़ेगी। मैहर में यात्रा का विश्राम होगा। इसके पश्चात तीसरे दिन मैहर में सभा तथा रोड शो के बाद विभिन्न ग्रामों से होते हुए रामपुर में रोड शो और अमरपाटन व मुकुंदपुर में सभा के पश्चात बेला होते हुए रीवा में जिला में प्रवेश करेगी। यात्रा के संयोजन में सांसद गणेश सिंह मौजूद रहेंगे। वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी कांता पांडे भी उपस्थित रहे। जनता के बीच में लेखा जोखा लेकर के जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है। उसी की बात है कि पहली गोली की जन आशीर्वाद यात्रा 3 तारीख को माननीय अमित शाह जी, जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमारे चित्रकूट की पावन भूमि मझगवा से निकलने जा रही है, उसमें माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। कौन कौन यात्रा, उस यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी रहेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, ये हमारे उस यात्रा में रहेंगे और इस यात्रा की गोली के जो हमारे सदस्य हैं वो भी इस यात्रा में रहेंगे। और विंध्य बघेलखंड और बुंदेलखंड ऐसा मिलाकर के ये यात्रा निकल रही है, तो उसके जो सदस्य हैं इस गोली के वो सभी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य क्या है? 3 दिवस है ये यात्रा, हमारे सतना जिले में रहेगी। सतना जिले के बाद ये यात्रा रीवा जिला जाएगी, रीवा जिला से सीधी के बाद सिंगरौली, सिंगरौली से शहडोल, शहडोल से अनूपपुर, अनूपपुर से उमरिया, उमरिया से कटनी, कटनी के बाद पन्ना, पन्ना से होते हुए छतरपुर, छतरपुर के बाद टीकमगढ़ और देवाड़ी, देवाड़ी जिले में इसका समापन होगा। ऐसा यह 21 दिवसीय यात्रा 21 तारीख तक, और 25 दिसंबर को एक बड़ा महाकुंभ कार्यकर्ता कुंभ जो है भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा, जिसमें इसका समापन होगा 25 सितम्बर। यात्रा का उद्देश्य क्या रहेगा? इस यात्रा का जागरूकता फैलाना है, लोगों के बीच में जन जागरण करना है, हितग्राही योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। जिन हितग्राहियों तक अभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, लोगों तक लाभ पहुंचे इसका। अरे ये तो 3 दिवसीय यात्रा है, इसमें बड़े नेताओं के आने की क्या संभावना है, कौन कौन आएंगे? हमारे इस यात्रा में माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी शामिल हो सकते हैं, हमारे इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय जी शामिल हो सकते हैं, इस यात्रा में हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री वो शामिल हो सकते हैं, अश्विनी वैष्णव जी शामिल हो सकते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में, प्रदेश अध्यक्ष जी इस यात्रा में, ऐसे लोगों की एक टोली बनी है, उनमें से कोई कोई सदस्य इसमें रहेगा। प्रथम दिवस हमारे बीच में माननीय अमित शाह जी रहेंगे।